हेलो एवरीवन, देखिए आपकी तरफ से एक मेजर डाउट आ रहा था कि सीबीटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने केवल एक या दो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी। अभी और भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो हमने आपको मैक्सिमम वीडियो में बताया है कि 99.9% चांसेस हैं कि आप ऐड कर सकते हैं। इन केस अगर ये ऑप्शन नहीं आएगा तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सीटें जो हैं ये खाली चली जाएंगी। जैसे सपोज कीजिए कि फॉर्म फिलिंग करते वक्त जो है आपने सिर्फ BHU सेलेक्ट किया था एंड पेपर कोड आपने COQP 11 सेलेक्ट किया था। अब आप DAV इंदौर भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पेपर कोड जो है आपने उसका एग्जाम दिया हो। जैसे DAV इंदौर ने पेपर कोड है COQP 12 MBA के लिए, तो इसका अगर आपने COQP 12 एग्जाम दिया है देन आप DAV इंदौर सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कि आपने केवल एक पेपर दिया COQP 11 और आप DAV में MBA में एडमिशन चाहते हैं, पेपर आपने ये COQP 12 का दिया ही नहीं है, देन आप इसको नहीं कर सकते। तो अगर आपने टेस्ट पेपर कोड जैसे COQP 11 एंड 12 ये आपने एग्जाम दिया है तो आप यूनिवर्सिटी अगर आपने सेलेक्ट नहीं भी किया है देन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये सेलेक्ट कैसे होगा? तो अब बहुत कम चांसेस हैं कि NTA की तरफ से कोई अपडेट आए। जैसे ही इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होंगे वहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये कन्फर्म हो जाएगा जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, तो वहाँ से ये चीज़ें 100% कन्फर्म हो जाएंगी। अभी इसको लेके बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि अगर वो ऑप्शन नहीं देंगे ना तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में सीटें खाली जाएंगी, तो उनको ये देना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसा हो भी चुका है। लास्ट ईयर जो है UG कोर्सेज में AU में कुछ बच्चों ने AU सेलेक्ट नहीं किया और इसकी वजह से जो है AU में कुछ सीटें खाली चली गई थी। तो AU ने फिर से बाद में जो है बहुत लेट अक्टूबर नवंबर में उन्होंने ऐड करने का ऑप्शन दिया, तो ये देना पड़ेगा। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ये होगा।